अक्सा बीच। तो फाइनली नाम तो बहुत सुना था इस बीच का और आज हम यहाँ पे आ भी चुके हैं। तो वी आर इन मुंबई और अभी यहाँ पे आने का कुछ प्लान था नहीं वैसे, टू बी ऑनेस्ट, बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं यार, अगर मुंबई गए हो तो अक्सा बीच तो होकर आना बनता ही है। तो इसके बारे में मैंने सर्च किया, काफ़ी अच्छा लगा, तो बस इसीलिए अभी हम शाम के 5 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है, बढ़िया है। अगर हम कंपेयर करें जुहू बीच को और अक्सा बीच को, तो अक्सा बीच मुझे ज़्यादा पसंद आया। क्राउड भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, थोड़े बहुत पेड़ वगैरह भी है और काफ़ी मतलब पीसफुल मोमेंट है यहाँ का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बातों ही बातों में बताना भूल ही गया मैं कि आप देख रहे हैं राहिल व्लॉग्स, और अगर नए हैं तो कोई डाउट नहीं है, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। वीडियो चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आगे हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वीडियोस डालने वाले हैं, कवर करने वाले हैं उत्तराखंड को, कंप्लीट हिमाचल को, और मुंबई तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में अभी हम आंध्रा को भी कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो, जो कि पूरा हम कवर करेंगे अक्सा बीच को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया नज़ारा है और क्राउड भी बढ़िया है। अगर हम बात करें कुछ खाने पीने की चीज़ों को, तो हाँ कुछ लिमिटेड चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे कि नारियल पानी है और अलग से कुछ भी पीने का अलग कुछ है तो वो मिल जाएगा। फ़ोटो अगर आपको लेने हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफ़र भी यहाँ पे मिल जाएंगे अलग से, जो कि आपको 30 रुपीज़ पर फ़ोटो के चार्ज करते हैं और मिनिमम आपको 5 फ़ोटो से निकलवाने ही पड़ेंगे। और थोड़ा सा मैं चुप होना चाहूँगा, और क्योंकि आप पानी की आवाज़ सुनिए बढ़िया, और इसको बिल्कुल अच्छे से फील कीजिए। कोई म्यूज़िक इसमें नहीं है, कुछ भी अलग से साउंड मैंने इसमें नहीं लगाया है, और ईयरफोन लगा के बस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखिए और पानी की आवाज़ को सुनिए। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी दिमाग को सुकून मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो एक काम करो, आपके पास वो है ना, OTG है ना पास?
हो गया क्या है भैया? हो गया क्या? क्या दिक्कत आ रही है आपको? बहुत मगजमारी हो जाता है। बढ़िया लेके आओ यार एक ही बार में थोड़ा। नहीं नहीं, मोबाइल ही लेके आया ना उसको। मेरे पास ओटीजी दो दो है। अच्छा, दिमाग तो भजिया पा रहा है। अब भी नहीं हो रहा क्या? देखता हूँ मैं अपने से ही करता हूँ। कोई लेता नहीं है आपसे फ़ोन के अंदर से? लेता है ना, काम तो कर रहा था, अभी नहीं कर रहा। कोई देख लो बंदा हो दोस्त था आपका फोटोग्राफर ही। मैं अपने फ़ोन में लेता हूँ। सुन दो रे।